जैन साथियों, आज हम करने वाले हैं ये सामान्य विज्ञान का मैराथन क्लास, जो कि अभी जो आपको एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपको 200 से अधिक क्वेश्चन है। वैसे तो आपको नंबरिंग में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको 200 से अधिक क्वेश्चन है आपको ये है। और ये क्वेश्चन जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और भी अगर कोई भी ई बुक या फिर क्वेश्चन रिलेटेड आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी अगर हो, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे। और भी आपने एग्जाम के लिए आप ई बुक परचेज कर सकते हो, जो कि मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी एग्जाम्स रिलेटेड कोई मटेरियल या इंफॉर्मेशन या और भी आर्टिकल के लिए आप इस पर आप आ सकते हो, जो कि है livepadhai.com है, ठीक है। मैं हूं केशव और मैं आपके लिए लेकर आता हूं आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेके आता हूं, मैथ का क्लास लेके आता हूं, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने 200 क्वेश्चन करा है, आप मेरे साथ आज करें। और ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट ये क्लासेज है आपको। ये 200 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। और भी मैं आपके इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए और भी जो जरूरी आपकी एग्जाम के लिए है, मैं आपको ऐसा ही मैराथन क्लास लेके आऊँगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। तो इस क्लास को जितना अधिक हो सके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ, आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास को पूरा देखना आप, ठीक है। चलो, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और मैं क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ। आज मेरे साथ आप पूरे क्वेश्चन को करें, लाइव मेरे साथ रहें और हर क्वेश्चन का आप कमेंट करें, आप हर क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, आपको पता है नहीं है अपने आप को एनालाइज करें आप, ठीक है। चलो सर, पहला जो आज का क्वेश्चन है, चट्टानों से होकर गुजरने के बाद जल कठोर हो जाता है क्योंकि, ऐसा क्या होता है कि जल गुजरता है तो कठोर हो जाता है क्यों? तो आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें सोडियम फॉस्फेट होता है। तो देखिए, आपके पास इंग्लिश भी रहेगा, मैं इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, तो इंग्लिश क्वेश्चन आप देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम से आप कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो, चार ऑप्शन आपके पास है। तो देखो, मैं इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। मैं क्लास को ज्यादा बात नहीं करूंगा और आप भी इसका आंसर का फटाफट करना और चेक करते रहना, ठीक है। और लास्ट में मुझे बताना कि आप इसमें से 200 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाए हो। मैं उम्मीद करूंगा कम से कम आप 125 से अधिक क्वेश्चन करोगे आप, कम से कम, ठीक है। चलो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो, चट्टानों से होकर जब बर्फ जल जब गुजरता है तो कठोर हो जाता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जब एक तत्व को, एक एलिमेंट को जब दूसरे एलिमेंट में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो अपने आगे पास है रेडियो एक्टिव क्षय, तत्वांकरण, सहसंयोजन, संकरण। देखिए, आपके पास अगर हिंदी में कोई अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हो आप, ठीक है। देखिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक तत्व को दूसरे में बदलने की जो प्रक्रम है, प्रक्रिया जो क्या कहलाता है, तो वो कहा जाता है तत्वांतरण कहलाता है। जितने भी सारा मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें आप, ठीक है। चलो, आगे है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अब इसका केमिकल नाम क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? तो ऑप्शन आगे पास जो है कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। आपके पास चार ऑप्शन है, आंसर करें इसका आंसर क्या हो रहा है। मैं सभी का आपका आंसर जो है मैं अभी चेक करूंगा कि कितना आप कर रहे हो, आप कौन कौन इसमें लाइव हो मेरे साथ और कौन कौन आप मुझे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। इस क्लास को जितना अधिक हो सके मुझे सपोर्ट करें आप, ठीक है। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं क्लास लाने की कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ वादा करता हूं, ठीक है। तो आप मुझे जितना अधिक हो सके क्लास को आप शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए आप। और भी जो आपको कुछ लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप मुझे बेहिचक मुझे आप रिप्लाई में बता सकते हो, ठीक है। आप मुझे अगर बताओगे तभी मैं आपके लिए इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा आपके लिए कुछ में, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने का कोशिश करूंगा हमेशा और करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करें, ठीक है। और भी जो कोई इंक्वायरी है तो इस नंबर पर भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे क्या कहा जाता है? NaHCO3, ठीक है। NaHCO3, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए बट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, केल्विन केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन आपके पास है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 212 केल्विन। तो आपका आंसर समझ क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आपसे बता रहा हूँ, तब तक के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, और अपने कमेंट को मैच करें मेरे आंसर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ये 373 केल्विन है, 373 केल्विन है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाला डायलिसिस अपोहन में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है, किडनी के रोगियों को दिया जाने वाला डायलिसिस जो होता है उसमें क्या है शामिल, क्या उसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन आपके पास जो है ये है विसरण, अवशोषण, परासरण या वैद्युत संचालन। देखिए आपके पास इंग्लिश में भी है, अगर हिंदी में कोई पॉइंट आकर हिंदी में कोई वर्ड समझ नहीं पाते हैं तो इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है परासरण, क्या है परासरण, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है निलंबन का, जेल, पायस या झाग। देखिए दूध किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप इसका आंसर क्या करोगे, जो अपने आंसर करा है ऑप्शन नंबर सी करा है, यानी कि पायस करा है, वो उनका आंसर पूरी तरह से सही है, पायस है। देखिए आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करके मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो। देखो लाइक जो आता है ना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बेनिफिट हो रहा है, आपको क्लास अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दो आप। अब ये मत देखो कि मैं क्लास को मैं लास्ट देखूंगा तो मुझे लाइक करना है, नहीं करना है, तो अभी आप क्लास को लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बारूद किसका मिश्रण है, बारूद किसका मिश्रण है, बारूद किसका मिश्रण है। ऑप्शन है बालू व टीएनटी का, सल्फर रेत व चारकोल का, नाइट्रेट सल्फर व चारकोल का, या टीएनटी व चारकोल का। इसका आंसर करें आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। ये बारूद मिश्रण होता है, किसका होता है मिश्रण, ये होता है नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, खाद परीक्षक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, खाद परीक्षक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन चौथा है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाता है, तो आप आंसर कमेंट करें। तो जिन बच्चों ने आप आंसर डी करा है, यानी कि बेंजोइक अम्ल करा है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन सा है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक कौन सा है। ऑप्शन आपके पास जो है सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जा रहा है, आप मुझे इसका बताएं। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने आंसर बी करा है, ऑप्शन नंबर बी करा है, उनका पूरा पूरा सही है, जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है इनका आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिससे क्या है उसका केमिकल नाम क्या है, SO2 कहते हैं, SO2 कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से उष्मा बनती है, वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर उष्माशोषी अभिक्रिया या तापीय अभिक्रिया या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसका आंसर करो। चलो मैं देख रहा हूँ इसका कमेंट में कौन कौन है, ठीक है। देखिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर सही है, जो कि है क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है,
ठोस वस्तु का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ बदल क्या है, बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस वस्तु का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस द्रव का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, उसे प्रक्रिया क्या क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन पहला ऑप्शन कह रहा है वियोजन, विलयन या ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण, क्या कहा जाता है, इसका आंसर करें आप। देखिए इसका आंसर मैं कर रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो कि क्या है, यह है ऊर्ध्वपातन है। क्या है, ऊर्ध्वपातन है, यानी कि सब्लिमेशन है। क्या है, सब्लिमेशन है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है उनका पूरी तरह से सही है। देखिए आपका एग्जाम जो अभी आने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को जो क्या होता है, जब क्वेश्चन जो देख रहे हो आप ना, अभी आप क्वेश्चन को रिवाइज भी करने पर क्या होता है, आपको क्वेश्चन माइंड में रहता है, अभी आप क्वेश्चन याद भी नहीं अगर हो पाया है। एग्जाम में टाइम में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, ऑप्शन देखोगे तो अचानक आपको याद आ जाएगा, चलिए ये मैंने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में उस कंडीशन में आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो क्लास अच्छा लग रहा है अभी तो आप मुझे जय हिंद करके कमेंट करो मुझे। ठीक है, देखिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप चैनल पहली बार देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, और घंटी के बेल का दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना, आपको क्लास अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए आपको। ठीक है, और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि कम से कम आपका शेयर एक कर सकते हो मेरे लिए। आप शेयर कर, आपको शेयर करने से कुछ नहीं जाता है, शेयर करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों का ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हम लोग जान जाते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, आप दूसरे को क्लास रिकमेंड करते हो। आप देखो मैं कितना भी कुछ बोलूंगा ना, क्लास इतना अच्छा है तो आप कोई नहीं मानोगे, कोई किसी का नहीं मानता है, लेकिन आप और किसी को बोलोगे ना मेरे बारे में या किसी और के बारे में बोलोगे ना, तो वो लोग मानते हैं, चलो आपने इस, क्योंकि आपने करा है, आपने देखा है इस चीज को। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, ताकि और बच्चों को आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, वैसे भी आप लोग इसमें आ रहे हो, आदमी आ रहे हो, देश की सेवा करने के लिए आ रहे हो, तो आपके मन में तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, चलो अगला जो है, चलो उसका मैंने आंसर दे दिया था, चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, किसी भी रासायनिक यौगिक के सबसे न्यूनतम संभव इकाई क्या कहलाती है। किसी भी रासायनिक यौगिक के सबसे न्यूनतम संभव इकाई क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास जो है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु, क्या कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है वो होता है क्या, परमाणु का। किसका होता है, परमाणु का। ठीक है, परमाणु का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है क्योंकि, यानी कि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में क्यों किया जाता है, सिल्वर हैलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका है, ये वायु में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, ये रंगीन होते हैं, ये हाइपोघोल में आसानी से घुल जाते हैं, ये प्रकाश से आसानी से अपचारित हो जाते हैं। इसका आंसर कीजिए, आप लोग कीजिए, इसका आंसर क्या हो रहा है। चलो मैं इसका आंसर कर दे रहा हूं, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करा है, यानी कि ये रंगीन होते हैं, उनका पूरा तरह से सही आंसर है इसका है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन क्या है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन क्या है। ऑप्शन आपके पास है, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फॉस्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। चलो ऑप्शन आपके पास है तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो रहा है। देखिए आंसर आप जरूर कर सकते हैं, देखिए आंसर आपको पता है या नहीं पता, आपको लग रहा है या आपका आंसर अभी डाउटफुल है, उस कंडीशन में इसका आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये भी जान जाओगे कि आपके दिल से कितना आपका जो होता है अप्रोक्सीमेट कितना सही होता है आपका। ठीक है, देखिए आप आंसर तभी करते हो कर पाते हो जब इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होता है तो। ठीक है, और गलत हो जाता है तो समझ जाते हो कि जो मैंने कहा था यह गलत है, ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करोगे आप, इसलिए आप आंसर जरूर करें मेरे साथ आप। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन कौन सा है, ये है सोडियम थायोसल्फेट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, वीडियो के नीचे, अच्छा माफ कीजिए, वृक्षों के नीचे या समीप रात को नहीं सोना चाहिए, वृक्षों के नीचे या फिर समीप में रात के समय में नहीं सोना चाहिए क्यों। ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों के नीचे में नहीं सोना चाहिए रात के टाइम में, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास ये है कि ये रात को CO2 छोड़ते हैं, CO2 यानी कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक है, इसलिए ठीक है। दूसरा ऑप्शन में है ये रात के समय ओ छोड़ते हैं, तो आप मुझे कमेंट करना कि ओ को क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं, इसका किसका केमिकल नाम है। अगला है ये रात को ज्यादा CO छोड़ते हैं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, इन पर रात को भूत रहते हैं, भूत रहता है। देखिए तो चार ऑप्शन आपके पास जो है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जिन बच्चों ने ए करा है, इनका आंसर जिन बच्चों ने ए करा है उनका आंसर पूरी तरह सही है, यानी कि ये रात को CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हम लोगों को रात के समय में वृक्षों के नीचे या समीप में नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, ठीक है। और रात को क्या करता है, वृक्ष जो होता है ना, ट्रीज जो होता है ना, पौधे जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेने लगता है, इसलिए हम लोगों को वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलो अगला जो है हिंगुल सेनेबार किसका अयस्क है, हिंगुल सेनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन आपके पास है तांबा का, लोहा का, पारा का, सीसा का। तो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिसने करा है उनका आंसर पूरा सही है, यानी कि पारा का। हिंगुल सेनेबार का किसका अयस्क है, तो ये है पारा का, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है उद्वपादन, आसवन या क्रिस्टलन या फिर अवसादन, क्या कहते हैं इसको। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है, जो कि है उद्वपादन यानी कि सब्लिमेशन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, घरेलू प्रयोग में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तु कौन सी है, घरेलू प्रयोग में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाली धातु कौन सा है, कौन सा धातु का सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो है, पहला है अल्मोनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा है जस्ता। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा, कौन सा इसका आंसर होगा जो आपका है, जो इसमें से, देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है हम लोगों घर में जो होता है किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है, किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। चलो एक बना क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया, आगे मैं बढ़ गया यहाँ पर, तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ए करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा, तो मुझे कमेंट ये करें कि आप किस कौन से एग्जाम के लिए, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और आपका एग्जाम कब है, या आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, और साथ साथ मुझे आप ये भी कमेंट करो कि आप किस स्टेट से देख रहे हो आप इस चीज को, कौन से वीडियो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्लास देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, तो आप मुझे स्टेट भी मुझे अभी आप कमेंट करें आप, ठीक है। चलो देखिए इस पिछले कुछ क्वेश्चन था, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास जो है, पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा है इथेन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है एस्ट्रिलीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे शुद्ध सोना कितने कलर का होता है, जो सबसे शुद्ध सोना होता है कितने कलर का होता है, कितने कलर का सोने को शुद्ध माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 32 कैरेट, दूसरा है 24 कैरेट, तीसरा है 18 कैरेट, चौथा है 22 कैरेट, यानी कि आपका आंसर क्या है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 24 कैरेट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 कैरेट का। जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सर अच्छा लग रहा है, सर अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मोटिवेशन और बढ़ेगा, मैं आपके लिए और ऐसे बेहतर बेहतर क्लास लेकर जल्दी से जल्दी मैं आऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास मोटिवेशन, हम लोगों को भी मोटिवेशन कैसे मिलता है, बस आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ही मुझे मोटिवेट करें, जिस तरह से मैं आपको पढ़ने के लिए आपको उकसाता हूँ, पढ़ने के लिए बोलता हूँ, जिस तरह से मैं बोलता हूँ, ठीक है, डांट के बोलता हूँ, चाहे जैसे बोलता हूँ, लेकिन आप लोग करते हो इसे अच्छा लगता है मुझे, लेकिन आप लोगों का मोटिवेशन क्या है मेरे लिए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो हमारे वही चीज मोटिवेशन है, ठीक है। तो क्लास को शेयर करो, क्लास को मुझे आप शेयर कर दो, अभी क्लास को शेयर कर दो, ग्रुप में कम से कम शेयर कर दो, बच्चों को बोलो जो क्लास चल रहा है जनरल साइंस का, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को अभी आ जाओ, तब बच्चों को भी जोड़ लो, ठीक है।
चलो मैं तुम्हें पहले अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में टेट्राथिल लेड क्यों मिलाया जाता है, पेट्रोल में टेट्राथिल और लेड क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है जल्दी जलने से रोकने के लिए, कठिनाई को बढ़ाने के लिए, प्रज्वलन को बढ़ाने के लिए, एंटी लॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो किससे यूज किया जाता है, किससे यूज किया जाता है, इसलिए क्यों किया जाता है, ये क्या आता है, एंटी लॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है, मलेरिया रोधी औषधि, ठीक है, मलेरिया रोधी औषधि में प्रयोग में आने वाला पदार्थ है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन पास है क्लोरीन का, ठीक है, न्यूरोपेनिन का, या कार्बोक्विनोन का, या एस्पिरिन का, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो कि है ये क्लोरोक्विन का है, क्लोरोक्विन का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ आप, इसका आंसर ऑप्शन पहला है यूरिया, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है मीथेन, चौथा है एथिलीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरिया, क्या है, यूरिया इसका आंसर कर रहा है, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखो आपके लिए ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन नंबर था, तो आप इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि है 9120529 0, यानी किस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस नंबर आप बिजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बात कर रहे हैं, मैं बिजी रहता हूँ, आपके पास ये नंबर भी आ गया, ठीक है। आप लोगों का जो लोगों का सुनी है जो बैठ है बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इतना ही है, बिजी लोग हैं, आप लोगों ने एग्जाम के लिए पूरा टाइम देते हैं, लोगों को दिन टाइम देते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास को सजेस्ट करना, ठीक है। और आगे के लिए अभी एक लाइव क्लास चल रहा है, कि जूम ऐप चल रहा है, वो क्लास जो है पेड क्लास है, तो उसमें आपको क्यूज मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, उसमें आपको और भी बहुत ज्यादा इसमें है बेनिफिट है, तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये क्लास के लिए इंग्लिश चलता है, मैथ चलता है, जीके इंग्लिश चलता है, कंप्यूटर चलता है, और भी आपका टेक्निकल के लिए भी क्लास ले सकते हो, जो डी के लिए और एडमिन के लिए भी, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उस कारण से मुझे बोलना कि सर मुझे क्लास करना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। चलो अभी वैसे समय बहुत चल रहा है, तो अभी आप क्लास ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही कमी में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्लास आप करवाओगे, ठीक है। चलो आगे है, अगला जो क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है, यानी कि मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो धातु यूज किया गया था वो कौन सा धातु है, कौन सा धातु है। तो ऑप्शन आपके पास जो है, चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी, चौथा है लोहा। तो इसका आंसर बताइए, तो क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए मानव द्वारा जो सबसे पहले इसका यूज किया गया था, कौन सा धातु यूज किया गया था, तो ये किया गया था तांबा का, किसका किया गया था, तांबा का। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही से करेंगे, मुझे बताया है तांबा का, ठीक है। चलो अगला जो है, समूहों की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल, समूहों की तरह सबसे ज्यादा जो काम आने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बारबिक टूरिक अम्ल, या बूढ़े नोइक अम्ल। तो आपके पास चार ऑप्शन होता है, ठीक है, और सामने में ही, तो उसमें जाए फटाफट इसका आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा, समूह की तरह काम में लाया जाने वाला। देखिए आप जब ट्राई करते हो सबसे पहले आप रिप्लाई करने की कोशिश करो, सबसे पहले आप, ठीक है, कोशिश करो सबसे पहले मैं कमेंट करूँ, तो आप सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है, वैसे मैं कमेंट तो सभी का देखता हूँ, ठीक है। चलो और जो कह रही है, आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मुझे जान सकते हो, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है बारबिक यूरिक अम्ल है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक आघात रोध धातु है, सर्वाधिक आघात रोध धातु है कौन सा है, प्लैटिनम, चांदी, लोहा या सोना।
इसमें से कौन सा है, इसमें कौन सा है जो सबसे ज्यादा क्या है, तो ये है आघात वर्धित है। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोना। चलो आगे है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, गैस में जो लौ चलते रहता है आग रहता है उसमें सबसे जो गर्म हिस्सा होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है, मैं पढ़ दे रहा हूं इसको, दीप्त क्षेत्र या अदीप्त क्षेत्र या नीला क्षेत्र या ज्योतिविहीन क्षेत्र, इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा। देखिए इसका आंसर आप दोगे ऑप्शन नंबर सी दोगे, जिन बच्चों ने इसका आंसर सी करा है अभी उनका आंसर पूरी तरह से सही है, जो कि है ये क्या नीला क्षेत्र है, नीला क्षेत्र है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नीला क्षेत्र जो होता है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन के जो उत्पादन प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है, पहला है सभातीय और संगरेंस, दूसरा है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, तीसरा है फिशर ड्रॉप स्पेक्ट्रम, चौथा है हैवर स्पेक्ट्रम। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो रहा है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है क्या, फिशर ड्रॉप स्पेक्ट्रम है, फिशर ड्रॉप स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है। चलो ठीक है, जो बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है उनका पूरा पूरा सही है। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, देखिए मैंने जो करते हैं तो मेहनत जरूर लग रहा है, हम आप विश्वास रखें, आप किसी के बात मेरे बराबर बताना अपने आप मेहनत करें, और मेहनत कैसे करें तो सही तरफ करें, सही दिशा में करें। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेहनत कैसे करें। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, जो कि फिशर ड्रॉप स्पेक्ट्रम है, यानी कि गैस की उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्यों, जब भारी वाहन मोटर जो होता है उसके लिए डीजल ही को ही पसंद किया है, और ये माध्यम है इसके इंजन के लिए, लेकिन डीजल का पसंद किया जाता है क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है, यह अधिक क्षमता वाला और सस्ता ईंधन है, यह अधिक क्षमता वाला और सस्ता ईंधन है, दूसरा है इसकी खपत कम होती है, तीसरा ऑप्शन है यह इंजन को कम क्षति पहुंचाता है, चौथा ऑप्शन है इसका औद्योगिक उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं दे रहा हूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है अधिक क्षमता वाला होता है और पर्यावरणीय क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, भारी मोटर वाहनों के लिए। खुला रहता है, अगला है इसमें सीए यानी कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लवण गुले होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण गुले होते हैं, चौथा ऑप्शन आपके पास है इसमें सोडियम लवण होते हैं, इसमें सोडियम लवण होते हैं। तो इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण गुले होते हैं, इसमें इसका मतलब क्या होता है, नमक का कठोर होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास जो है, पहला कार्बन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर कीजिए, इसका भी आंसर करने में आप थोड़ा सा लिपटना करें, ठीक है, पता है तो डायरेक्टली आंसर करें। देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीजन। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ठीक करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन आपके पास जो है, 3, दूसरा है 7.5, तीसरा है 12, चौथा है 6। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है तो 7.5 होता है, 7.5 होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के शरीर का कौन सा अंग वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखिए एस्बेस्टस कारखाने में जो भी मजदूर काम करते हैं उसमें से कौन सा, यानी कि उस मजदूर का कौन सा अंग जो होता है वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है आंख, दूसरा है गला, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है त्वचा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, चलो अगला है अपोहन यानी कि डायलिसिस किस अंग के प्रभावित होने पर किया जाता है, किस अंग के प्रभावित होने पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है यकृत, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है हृदय। पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा है लीवर, तीसरा है लंग, चौथा है हार्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, जो कि है वृक्क है, यानी कि किडनी। डायलिसिस का किस अंग के प्रभावित होने पर किया जाता है, ये किडनी के प्रभावित होने पर किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है। तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है, तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन आपके पास है जनीटन, अगला है माइकस, तीसरा है सिड्रस, चौथा है पाइन। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किस पेड़ से निकाला जाता है, ये निकाला जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पाइन। पाइन के ट्री से तारपीन का तेल निकाला जाता है, किस जो है ट्री से, तो पाइन के ट्री से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही करेंगे। ठीक है, चलो आगे है, अगला है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है लखनऊ में, चौथा है बेंगलुरु में। देखिए भारतीय केंद्रीय अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, चारों में से क्या आंसर हो रहा है आप मुझे इसका कमेंट करिए, अभी फटाफट कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ। देखिए आप क्लास में ऐसा तो नहीं है ना आप बोरिंग हो रहे हो, आप लोग अगर क्लास में बोरिंग हो रहे हो तो मुझे बताना, अभी मैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का भी जुगाड़ कर दूंगा। ठीक है, अब बोलोगे फिर सर पढ़ाई का टाइम ऐसा तो होता नहीं है सर, तो नहीं आप लोगों को लग रहा है कि क्लास में बोरिंग हो रहा है तो मैं कर दूंगा आप लोगों को, ऐसा तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई का टाइम बस पढ़ाई लिखाई ही होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई मुझे फोकस होना चाहिए, ऐसा नहीं है मेरा ध्यान उधर उधर, इसलिए आप लोग कहीं ध्यान ना हटाएं और यहाँ पर मेरे पर ध्यान दें आप। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर कीजिए आप, पहले इसका आंसर कीजिए, फिर इंटरटेनमेंट का भी मैं जुगाड़ करता हूँ, क्योंकि क्लास अभी बहुत लंबा चलने वाला भी है, तो आप मेरे साथ बनने में हो सकता है एक थोड़ा बोरिंग हो जाए आपको। ठीक है, तो ऐसा ना करें, बस पढ़ाई है, एग्जाम अभी आपका आने वाला है, तो देखो अब बस 2 से 3 महीना मेहनत करोगे ना, फिर पूरी जिंदगी अगर आप ऐश कर से रहोगे, बस आप बस काम काम पर ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है, बस आप अभी मेहनत कर लो, आप बस अभी मेहनत कर लो, अभी जो मेहनत करोगे ना वही आपका पूरी जिंदगी भर के लिए आपका मेहनत हो जाएगा। ये अगर अभी नहीं करोगे ना तो पूरी जिंदगी कहाँ भटकोगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, इसलिए अभी आप मेहनत करो आप। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ, यानी कि भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, ये है लखनऊ में। ठीक है, चलो अगला है एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट, अगला है एनिमोम्ल, तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल, चौथा है वसा अम्ल। तो एंजाइम किसके बने होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है ये एनिमो अम्ल है, यानी एंजाइम किसका बना होता है, तो एनिमो अम्ल का बना होता है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर बी करा है उनके पूरा पूरा धन्यवाद मेरी तरफ से है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं तभी आप आंसर कर रहे हैं, मैं तभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन आप लोग पढ़े हैं आप लोग, मैं आपसे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे खुशी मिलता है कि इसका आंसर करते हो आप, इसका क्रेडिट बस आपको जाता है, इसका क्रेडिट मेरे पर नहीं आता है। ठीक है, मैंने बस क्वेश्चन ढूंढ के लाया है आपके लिए, मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मैं वो लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग मेहनत किए तभी इसका आंसर कर रहे हो आप, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको आप कीजिए आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो है लार की प्रकृति कैसी होती है, लार की प्रकृति कैसी होती है। पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है क्षारीय, चौथा है उभयधर्मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बताइए, तो लार का जो होता है और कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, चलो अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास जो है घास में, दूसरा है सिट्रस पौधे में, चौथा है फलीदार पौधे में, चौथा है नीम के पेड़ में।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण के एक जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, जो कौन सा कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है घास में, सिट्रस पौधे में, फलदार पौधे में, या ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीम के पौधे में। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो की है फलीदार पौधे में। आप लोग क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रहे हो ना? अगर बोरिंग हो रहे हो तो मुझे बताना, अगर क्लास में बोरिंग नहीं हो रहे हो, आपको एनर्जी मिल रहा है इस क्लास में, तो आप बोल सकते हो सर यस सर यस सर, मुझे अभी पावर है, पावर पावर लेके मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अभी मेरे पास पावर है, मेरे जान बचा हुआ है, ठीक है? तो मेहनत करिए, देखिए मेहनत करने से आपको कुछ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ना तो बुखार लगेगा, ना तो कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? आप अपनी तरफ से जिस तरह से करना अभी करो आप, ठीक है? अभी मेहनत कर लो आप, ठीक है? कुछ नहीं होगा तभी तो कुछ खराब नहीं होगा, फिर ठीक है घर बैठे रहो आराम से, क्लास को करते रहो भैया मेरे साथ, ठीक है? और शेयर भी करते रहो, ठीक है? अपने बच्चों अभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहो आप, ठीक है? अभी काम एक तरफ से मैं ये भी दे रहा हूँ कि आप क्लास देखो, क्लास को शेयर करो, इसलिए मैं हर वीडियो में करने क्या रहता हूँ, तो वॉच एंड शेयर, वॉच एंड शेयर दो ही काम आपके लिए है, वॉच करो शेयर करो, वॉच करो शेयर करो, वॉच एंड शेयर, ठीक है? चलो इससे सब कुछ काम बन जाएगा, ठीक है? आपका भी सब कुछ हो जाएगा, हम लोगों का भी सब कुछ हो जाएगा। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है फलीदार पौधे। चलो अगला है, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? रेत पर पद चिन्हों को सांचा ढालने के लिए कौन सा उपयुक्त पदार्थ है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है गलित शीशा, दूसरा है सिल्वर, चौथा है पैराफिन मोम, चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, जो कि क्या पैराफिन मोम है, पैराफिन मोम है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैराफिन मोम हो जाएगा, पैराफिन मोम हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, कागज पर उंगलियों के निशान किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? कागज पर उंगलियों के निशान किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट द्वारा, दूसरा है निनहाइड्रिन विलयन द्वारा, चौथा है, तीसरा है आयोडीन धूमन द्वारा, अगला है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है निनहाइड्रिन विलयन द्वारा। यानी कागज पर उंगलियों के निशान जो होते हैं किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये क्या होता है? निनहाइड्रिन विलयन द्वारा किया जाता है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरा पूरा सही है, जिन बच्चों ने नहीं करा है इसको आप रिमेम्बर कर ले, याद कर ले आप, ठीक है? जो भी लगा क्वेश्चन ना आपको, आपको ये डाउटफुल है, ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से आपको याद करने की जरूरत है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो आप, ठीक है? चलो या वीडियो फॉर्ड करके आप पॉज करके आप इसका देख सकते हो दोबारा आप, ठीक है? चलो अगला है, परिशुद्ध अल्कोहल है, परिशुद्ध अल्कोहल कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास जो है 100% प्रूफ, दूसरा है 95% अल्कोहल और 5% जल, अगला है 200% प्रूफ, अगला ऑप्शन है जो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में से कोई नहीं। देखिए तो परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है? 200 यानी कि 200% प्रूफ होता है, 200% प्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला है, तरंग और कण दोनों की तरह प्रकृति, दोनों की तरह प्रकृति दर्शाने वाला कण निम्न में से कौन सा है? तरंग और कण दोनों की तरह प्रकृति दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन में से कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास जो है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है मेमसोन, अगला है न्यूट्रॉन। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है इलेक्ट्रॉन का। किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में अरक्तता किसकी कमी से होता है? अरक्तता यानी कि खून की कमी, ठीक है? ठीक है, एनीमिया से कहते हैं, एनीमिया कहते हैं अरक्तता। अरक्तता किसी कमी से होता है, ठीक है? देखिए इसका पहला ऑप्शन है आयोडीन का, दूसरा है कैल्शियम का पोटेशियम का या लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो किसके कमी से होता है? ये कमी से होता है लोहा के कमी के कारण होता है, यानी कि आयरन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी तरह से सही है। चलो अगला जो है, शरीर में टीका लगाने से पहले टीके को रोग रहित किया करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? शरीर में टीका लगाने के पहले टीका को रोगाणुरहित करने के सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, दूसरा है अल्कोहल और जल के मिश्रण से धोना, अगला है जल में उबालना, अगला है निम्न ताप पर गर्म करना।
इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या है ये, अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, यही सबसे अच्छा तरीका रोगाणुरहित करने का तरीका होता है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, हमें किसके अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है, हमें किसके अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है। पहला ऑप्शन आया है ए है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है वसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि हमें किसके अंतर्ग्रहण में सर्वाधिक शक्ति मिलती है, यानी किससे मुझे सर्वाधिक शक्ति मिलती है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, निम्न में से कौन सा कीटाणुनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखो यहाँ पर है नहीं किया जाता है, ये आपको याद करना, नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डीडीटी, यानी कि डीडीटी का। ठीक है, दूसरा है मेलाथियोन का, गैमेक्सिन का, या ब्लीचिंग पाउडर का। इसमें से देखिए आप कभी कभी आपका एग्जाम में क्या होता है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता है, तो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि इस पर जरूर ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सही भी क्वेश्चन को ना गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप आराम से समझ के पढ़े आप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, जो क्या है क्या ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो देखियो कीटाणुनाशक के लिए किसका यूज नहीं करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन किसका यूज करते हैं, तो देखो इन सभी का यूज किया जाता है, कीटाणुनाशक में किया जाता है। ठीक है, चलो आगे है, अभ्रक यानी कि माइका का प्रयोग मुख्य उपयोग कहाँ होता है, यानी अभ्रक का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है इस्पात कारखानों में, कारखाने में, दूसरा है पेट्रोलियम शोधन में, तीसरा है बिजली उद्योग में, चौथा है कांच उद्योग में। तो देखो तो सबसे ज्यादा जो अभ्रक का माइका का यूज किया जाता है वो किसका कहाँ यूज किया जाता है, तो ये बिजली उद्योग में इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी कराया है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ठीक है, और भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन क्लास रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो इस नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए कुछ ज्यादा पर नहीं लगाए हैं आप लोग, ठीक है, व्हाट्सअप करें, मैं व्हाट्सअप सभी का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप जब भी मुझे करें ना, तो अपना नेम और सिटी मुझे कर दे मुझे। ठीक है, और एग्जाम से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप वो भी मुझे बता दे आप। ठीक है, क्योंकि मुझे देखो जब मुझे नाम पता होता है ना, तो मैं उनके नामों से बच्चों को बुलाता हूँ। ठीक है, तो नेम जरूर करें, सिटी जरूर करें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कहाँ से हो। ठीक है, अगला है जो अपना किस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये भी मुझे कमेंट करें आप। ठीक है, चलो आगे है, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने में सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है। ग्रामीण विद्युतीकरण और घरेलू खाना पकाने में सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है। तो ऑप्शन पहला आपका है बायोगैस, दूसरा है परमाणु ऊर्जा, तीसरा है बिजली, चौथा है पवन चक्की। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा किसका, तो बायोगैस का। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो बायोगैस का जो सबसे सस्ता भी है और सबसे उपयुक्त भी है और विद्युतीकरण का इसका यूज किया जाता है, खाना पकाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो आगे है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर किस पदार्थ का लेपन किया जाता है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर टेपों पर जो किस पदार्थ का लेपन किया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है जिंक ऑक्साइड का, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तीसरा है लोह सल्फेट का, चौथा है लोह ऑक्साइड का। इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो रहा है, देखिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका क्या होता है, लोह ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलो आगे है, निम्न में से साधारणतया इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन मिश्र धातु नहीं है। देखिए कौन सा मिश्र धातु नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा मिश्र धातु नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है इस्पात, दूसरा है पीतल, तीसरा है कांस्य, चौथा है तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है क्या, तांबा है। तांबा है क्या, तांबा एक मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलो अभी है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है क्षारीय, दूसरा है उदासीन, तीसरा है अम्लीय, चौथा है विरंजक। ठीक है, तो
इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर मेरे साथ ही कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल में अवस्थित सोडा का घोल क्या मिलाया जाता है, सोडा का घोल क्या मिलाया जाता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या कहलाता है, ये क्षारीय कहलाता है। ठीक है, चलो अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डीडीटी, दूसरा है ओजोन, तीसरा है टीएनटी, चौथा है पैरासिटामोल का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, यानी कि टीएनटी का प्रयोग किया जाता है। देखो टीएनटी को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहता है, तो ट्री नाइट्रो ट्रीनाइट्रोट्यूलेन, ठीक है, ट्यूलेन, ठीक है, ऑप्शन ई एन ई, ठीक है, ये है। ठीक है, चलो आगे है, अगला है, चलो इसका आंसर तो आपका हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहे हैं, कंप्यूटर में लगी हुई आईसी चिप किसकी बनी होती है, कंप्यूटर में लगी हुई आईसी चिप किसकी बनी होती है, आईसी चिप जो लगा होता है ना वो किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम का, दूसरा है लोहा का, तीसरा है सिलिका का, चौथा है सिलिकन का। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईसी चिप जो होता है, ये आपको कंप्यूटर में भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर कंप्यूटर में पूछ दिया जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है सिलिकन का, दूसरा क्या है, सिलिकन का है। चलो अगला है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ दूसरी कौन सी गैस भारी होता है, दूसरा कौन सी गैस भरी जाती है, या गलती मैंने कर दी यहाँ पर, भरी जाती है। देखिए अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ दूसरी कौन सी गैस भरी जाती है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑर्गन, तीसरा है हीलियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या दोगे आप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है क्या, हीलियम का। किसका, हीलियम का प्रयोग किया जाता है, दूसरी गैस कौन सा भरा जाता है, तो हीलियम भरा जाता है। ठीक है, चलो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। चलो अगला जो है एसिटिल सिलिसिका अम्ल आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है, एसिटिल सिलिसिका अम्ल आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आंसू गैस के रूप में, दूसरा है उर्वरक के रूप में, तीसरा है पीड़ाहारी के रूप में, चौथा है सामक औषध के रूप में। तो किसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर बताए। देखो तो एसिटिल सिलिसिका जो प्रयोग किया जाता है, किसमें क्या आता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है उनके लिए ये थैंक्स मेरे तरफ से है। ठीक है, थैंक्स है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो इसका आंसर करते हो आप लोग। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, सर यस सर यस सर, क्लास डेली लाओ, क्लास डेली लाओ सर, मैं आज समझ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए ज्यादा जल्द में क्लास लाऊंगा और ज्यादा से लंबा क्लास में लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और किस टॉपिक पर आप चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, किस क्लास पर और देखना चाहते हो क्लास, आप मुझे ये भी कमेंट करना आप। ठीक है, चलो अगला है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्त नाली में साधारणतया किसे प्रयोग किया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतया किसे प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड और कार्बन, दूसरा है सोडियम वाष्प और नियोजन, तीसरा है पारद वाष्प और आर्गन, तीसरा है चौथा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रदीप्त नली में साधारणतया किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो किया गया पारद वाष्प और ऑर्गन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के पपरी में अल्मीनियम किस रूप में पाया जाता है, पृथ्वी के पपरी में अल्मीनियम किस रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रायोलाइट, दूसरा है बॉक्साइड, तीसरा है जिप्सम, चौथा है प्राकृतिक धातु। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बॉक्साइड में की तरह पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो आगे है, अगला क्वेश्चन जो है, टाइफाइड के उपचार के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, टाइफाइड के उपचार के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास क्लोरोक्वीन का, दूसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल का, तीसरा है सल्फाइडर का, चौथा है क्लोरोमाइसिटिन का। तो चार ऑप्शन में से आपका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
देखो टाइफाइड को उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता था जनरली, तो इसका क्या आया था ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोमासेटिन का यूज किया जाता है। देखो अगर जिसको भी आप टाइफाइड हो जाता है ना, डॉक्टर क्या कौन सा दे उसको होता है तो क्लोरोमासेटिन का ये इंजेक्शन या फिर जो टैबलेट कैप्सूल होता है वो दिया जाता है, यानी कि क्लोरोमासेटिन का इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन पद्धति का जो प्रयोग किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है वो किसके आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आप मुझे बताया इसका आंसर ऑप्शन है शिशुओं का, दूसरा है जीवाश्म का, तीसरा है चट्टानों का, चौथा है इमारतों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि है जीवाश्म का। आप मुझे बताया कि इमारतों का आयु पता लगाने के लिए किसका कौन से विधि का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कमेंट अभी कीजिए। ठीक है, चलो आगे है मानव के लिए ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है, मानव के लिए ओजोन क्यों महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन आपके पास है ये ऑक्सीजन देता है, दूसरा है ये तापमान बनाए रखता है, तीसरा है पराबैंगनी किरणों को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो ओजोन हम लोग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है तो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। क्या करता है ये, तो ये पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है, इसलिए हम लोगों को क्या कहता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, चलो अगला है जलने में सहायक गैस कौन सी होती है, जलने में सहायक गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ इसका, ये है पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जलने में जो सहायक गैस होता है वो क्या होता है, तो हीलियम होता है, यानी कि माफ कीजिए ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलो आगे है सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है, सर्वाधिक ज्वलनशील गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सर्वाधिक ज्वलनशील गैस जो होती है ना वो कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिन बच्चों ने करा है उनका आंसर पूरी तरह सही है, हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे है अगला क्वेश्चन है मानव तंत्रों में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ निम्न से कौन सा है, मानव तंत्रों में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ निम्न से कौन सा है। पहला ऑप्शन है डिओक्सी मोनोक्लिक अम्ल का, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा है एंजाइम का, चौथा है प्रतिरक्षी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो क्या हो जाएगा प्रतिरक्षी का। मानव तंत्रों में रोकने लगे से लड़ने वाला पदार्थ निम्न से कौन सा है, यह है प्रतिरक्षी। ठीक है, चलो यानी इसका इम्यूनिटी का। ठीक है, चलो अगला है निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, यहाँ भारी कमी हो जाता है, कमी हो जाता है, किस पदार्थ का कमी हो जाता है। पहला ऑप्शन है शर्करा का, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट, चौथा है पोटेशियम क्लोराइड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जो क्या क्या सोडियम क्लोराइड का। यानी कि निर्जलीकरण में क्या होता है, शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो ये कमी हो जाता है सोडियम क्लोराइड का हो जाता है। यानी कि इसका आंसर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चे देख रहे हो ना लाइक जरूर उतने लाइक कम से कम आने चाहिए। और मुझे अभी आप कमेंट कर दीजिए, जय हिंद मुझे कमेंट करें आप। ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के पास अभी एनर्जी बचा हुआ है। ठीक है, चलो आगे है आग लगने की तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्न से किसमें होती है, आग लगने की और फैलने की सबसे कम संभावना किसमें होती है। पहला ऑप्शन है नायलोन का, दूसरा है टेरिकोट का, तीसरा है सूती, चौथा है पॉलिस्टर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, आग लगने की तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो होती है किसमें होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूती में होता है। ठीक है, चलो आगे है लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत में से कौन सा है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत में से कौन से है, कौन है। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा है हरी सब्जी, तीसरा है अंडा, चौथा है बीन्स। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लोहे का सबसे जो प्रचुर स्रोत जो होता है, सबसे ज्यादा जो मिलता है किसे मिलता है, तो हरी सब्जी मिलता है, किसे मिलता है तो हरी सब्जी में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है पन्ना निम्न में से किसका बना होता है, पन्ना जो होता है ना किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, सिलिका, बेरिलियम या सोना, किसका बना होता है।
ये बना होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरिलियम का बना होता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी कराया है उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक्स है, ठीक है। और क्लास में और बच्चों को जोड़े, क्लास में बहुत बाकी है, क्लास अभी क्लास में बच्चों को जोड़े, क्लास को शेयर करें, और आप देखिए आपके दोस्त कितने कर रहे हैं और आप कितने कर रहे हो आप, ठीक है। तो क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। देखिए जो नहीं पता है तो यहाँ जाने जाओगे, जो पता है आप अपने आपको जान पाओगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। चलो आगे है, गैसोलीन को किसमें मिलाकर गैसोहोल बनाया जाता है, गैसोलीन को किसमें मिलाकर गैसोहोल बनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है मेथिल अल्कोहल, दूसरा है टेट्राथिल टेट्राएथिल लेड, तीसरा है एथिल अल्कोहल, चौथा है ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो किया गया एथिल अल्कोहल का, किसका, एथिल अल्कोहल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे है, तत्वकालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है, तत्वकालिक शक्ति के लिए धावकों को क्या दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है विटामिन, तीसरा है सोडियम क्लोराइड, चौथा है ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा किसका, तो ग्लूकोज का हो जाएगा। यानी तत्कालिक शक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है, बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाया जाने वाला उर्वरक में क्या मिलाया जाता है, बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाया जाने वाला उर्वरक कौन सा होता है, कौन सा होता है। ये पहला ऑप्शन आपके पास है नाइट्रेट, दूसरा है फॉस्फेट, तीसरा है पोटास, चौथा है कैल्शियम। तो किसका यूज किया जाता है, तो किसका यूज क्या मिलाया जाता है, तो नाइट्रेट मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे है, भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, भोजन पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है वसा का, तो दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा है प्रोटीन का, चौथा है विटामिन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करें इसका अभी, और कमेंट फास्ट करें, आप कमेंट इसका फास्ट करें, ठीक है। चलो तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो नष्ट होने वाला पदार्थ जो होता है ना वो क्या होता है, ये होता है विटामिन ही होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव अमोनिया, तीसरा है द्रव नाइट्रोजन, या अतिशीतलिक जल का प्रयोग किया जाता है, बताइए आपका आंसर क्या हो जा रहा है इसमें, आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका आंसर सही से करोगे क्योंकि आपको एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जरूर उसको याद करेंगे आप, ठीक है। अगर इतना अभी मेहनत करोगे ना, फिर आगे जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अभी जितना मिलता है, जहां से नॉलेज मिलता है उससे जो करें आप, क्लास को पहली बार देख लो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बिल कर जरूर दबा देना, अगर क्लास का मेरे रेगुलर अगर वॉच करते हो आप, तो क्लास को शेयर भी जरूर करते हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि क्लास को आप शेयर जरूर करते हो आप, ठीक है। और जो भी सजेशन हो, जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, वैसे मैं आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करता ही हूँ तब भी, ठीक है। और भी आपको कोई बुक की जरूरत अगर हो तो आप, मैं इसका डाल दूंगा, इसके इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो, और परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मुझे इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9102195290 पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे है, अगला क्वेश्चन जो है, ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा किस कारण से फूलता है, ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा जो होता है किस कारण से फूलता है। तो ऑप्शन आपके पास जो है उष्मा की क्रिया के कारण, दूसरा है केशिकाशन के कारण, तीसरा है वाष्पीकरण के कारण, चौथा है किण्वन में बनने वाले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, किण्वन में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताएं इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है, किण्वन से बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड कारण क्या होता है, ये फूलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो है, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला पदार्थ कौन सा है जो रोगों के उपचार में भी सहायक होता है, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला पदार्थ कौन सा है जो रोगों के उपचार में भी सहायक होता है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है लोहा, चौथा है आयोडीन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है आयोडीन, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे है, समुद्री घास में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है, समुद्री घास में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है। ठीक है, अगला है, पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है क्लोरीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आयोडीन, यानी समुद्री घास में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पूरी तरह से सही है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तत्व कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सल्फर, अगला है हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। चलो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि डी बच्चों, जिन बच्चों ने करा है उनको एक बार मैं फिर से आपको थैंक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे इस तरह से आप आंसर करते रहे, ठीक है, नहीं बताया है तो उसका नोट बनाते रहे, सीखते रहे। ठीक है, चलो आगे है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से किस अंग को हानि पहुंचती है, एथेनॉल के अधिक सेवन से क्या, कौन से अंग पे को हानि होती है। पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा हृदय, चौथा है यकृत। तो कौन से अंग का प्रभावित होता है, ये होता है यकृत होता है, यानी कि लीवर पर असर पड़ता है इसका, किस पर पड़ता है, तो लीवर पर असर पड़ता है इसका। ठीक है, चलो अगला जो है, पीने वाला सोडा कैसा होता है, पीने वाला सोडा कैसा होता है। पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा है ऑक्सीकारक, तीसरा है अम्लीय, चौथा है क्षारीय। तो पीने वाला सोडा कैसा होता है, पीने वाला सोडा जो होता है कैसा होता है, तो वो होता है अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग एनर्जी तो बचा हुआ है ना, बताओ इसका एनर्जी बचा हुआ तो लिख सकते हो सर, एनर्जी बचा हुआ है सर, आप बता सकते हो। ठीक है, एनर्जी बता आप कह सकते हो सर, एनर्जी में बचा हुआ है, तो कमेंट जरूर मुझे करें कि आपके पास एनर्जी बचा हुआ है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभी क्लास में बहुत क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो क्लास करते रहे, रेगुलर देखते रहे, आप पूरी पूरी देखिए आप क्लास को। ठीक है, क्लास को शेयर भी जरूर करोगे आप, मुझे पता है आप लोग क्लास को जरूर शेयर करोगे, मेरा विश्वास अभी आप लोग नहीं तोड़ना आप लोग। ठीक है, और इसका इसको सबसे ज्यादा आपको व्यूअर, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर बनाए, चैनल बनाए, जो कि है आपका वन प्लस इवेंट्स एकेडमी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बनने वाला है, मैं आपके लिए और भी एग्जाम के लेकर मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। आपको और भी चैनल है, और भी वेबसाइट है, क्यूज है, और आप अगर जितना बड़ा परिवार होगा उतना आपके लिए कंटेंट ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है अमलगम, दूसरा है क्षारीय धातु, तीसरा है उत्कृष्ट धातु, या चौथा है मिश्र धातु। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा, यानी दो से अधिक धातु जो मिलाकर जो बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, संक्रामक को रोकने वाली औषधि क्या कहलाता है, संक्रमण को रोकने वाली औषधि क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोधी, दूसरा है मलेरिया रोधी, तीसरा है रोगाणुनाशी, चौथा है पीड़ाहारी। तो क्या कहलाता है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कह रहा है प्रतिरोधी कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोधी कहलाता है। ठीक है, बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वरांतक वह दवा होता है जो शरीर के ताप को कम करती है, शरीर का ताप को बढ़ाती है, संक्रमण दूर करती है, या विषाणु से शरीर को रक्षा करती है। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है ज्वरांतक जो होता है ना, शरीर के ताप को कम करती है, क्या करता है, शरीर को ताप को कम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर ए करा है, उनका आंसर पूरी तरह सही है। देखिए ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबा भी हो जाएगा, और वैसे क्लास बहुत लंबा भी होने वाला है अभी, तो देखिए ज्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन का अभी फास्ट पढ़े मेरे साथ, अभी मेरे का फास्ट पढ़े। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में चाहते हो कि मैं फिर से मैराथन लेकर आऊँ, फिर से आपको लंबा क्लास लेकर आऊँ, आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, चलो आगे बताओ, आगे जो अगला जो है, जीवित तंत्रों का अध्ययन करने वाला रसायन की शाखा क्या कहलाता है, जीवित तंत्रों का अध्ययन करने वाली रसायन की शाखा क्या कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है, या भौतिक रसायन कहलाता है, या जैविक रसायन, या फिर अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा जैविक रसायन कहलाएगा। जीवित तंत्रों का अध्ययन करने वाला जो रसायन होता है ना वो क्या कहलाता है, तो जैविक रसायन कहलाता है। ठीक है, चलो अगला है बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल क्या है, पहला है एंटीसेप्टिक है, रोगाणुनाशी है, तीसरा है तेल प्रतिरोधी है, चौथा है एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल क्या है बताइए इसका, बोरिक अम्ल क्या है, बोरिक अम्ल जो है ये है आपका एंटीसेप्टिक है। क्या है, तो एंटीसेप्टिक है। एक कमेंट फास्ट करें आप लोग, ठीक है कमेंट फास्ट करें, ठीक है एंटीसेप्टिक है, बोरिक अम्ल क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। चलो आगे है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है, निर्जलीकरक, औषधि, ऑक्सीकारक या रंग बंधक, किसका क्या है ये है आपका निर्जलीकारक है, निर्जलीकारक है, ठीक है निर्जलीकरण है। ठीक है चलो अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, कैस्ट्रोल क्या होता है, कैस्ट्रोल क्या होता है, कैस्ट्रोल क्या होता है, पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का प्रकार, जीव वसा में पाए जाने वाला अल्कोहल, चौथा है क्रोमियम लवण। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है, जीव वसा में पाए जाने वाला एक अल्कोहल होता है, क्या होता है, जीव वसा में पाए जाने वाला एक अल्कोहल होता है। ठीक है चलो आगे है डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है, प्रतिरोधी, कीटाणु, कीटनाशक या फिर प्रतिजैविक या उर्वरक। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा था, ठीक उसमें नहीं का ऑप्शन दिया था ना, ठीक है। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी क्या है आपका, एक ये है कीटाणुनाशक है, क्या ये कीटनाशक है, डीडीटी क्या है तो कीटनाशक है। ठीक है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो है, धूल और ग्रीस की सतह से साफ करने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन आपके पास है अपमानजनक, दूसरा है स्नेहक, तीसरा है विरंजक, चौथा है अपचायक। धूल और ग्रीस की सतह से साफ करने वाला पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि अपमानजनक कहलाता है, क्या कहलाता है, अपमानजनक कहलाता है। ठीक है चलो आगे है, बर्तन का आकार ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, बर्तन का आकार ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा। तो बर्तन का आकार ग्रहण करने वाला पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है, एक द्रव कहलाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में, आप देखो ना थोड़ा बहुत आपको एरर मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत, ठीक है 1% के इक्वल में आपको एरर मिल जाएंगे। ठीक है चलो इसके लिए कोई बात नहीं, इसका मैनेज कर लेना आप लोग, इंग्लिश में सेक्शन में थोड़ा सा आपको मैंने बता देना, मैंने 1% का एरर मिल जाएगा आपको, तो इसको आप मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है चलो, क्योंकि मैंने इसको ना प्रूफ नहीं कराया मैंने, इसलिए आप बोल रहा हूँ, वैसे तो सही है बस में, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में ज्यादा मैंने प्रूफ नहीं कराया मैंने। ठीक है चलो अगला है, गैसोलीन का पर्याय क्या है, गैसोलीन का पर्याय क्या है, पहला ऑप्शन है डीजल, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है कच्चा तेल। यानी गैसोलीन का पर्याय क्या है, तो इसका आंसर जब चार ऑप्शन में से है, चार ऑप्शन में से आंसर क्या दोगे, आंसर क्या दोगे, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, गैसोलीन का जो पर्याय है ये क्या है, तो ये है पेट्रोल, क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है, पेट्रोल है। ठीक है चलो बढ़ते वाले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होता है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है मृदु जल, दूसरा है भारी जल, तीसरा कठोर जल, चौथा है वर्षा जल। आसानी से झाग नहीं देने वाला जो होता है ना वो कौन सा जल होता है, देखिए तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठोर जल होता है, इसको मैंने कई बार चर्चा कर दिया है अलग अलग तरह से, अलग अलग क्वेश्चन कर दिया मैंने। ठीक है चलो कठोर जल होता है। ठीक है चलो अगला है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है वायु। यानी गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो आंसर सही होगा, आप इसका आंसर करेंगे, आप लोग इसका आंसर बहुत सारे बच्चे करेंगे मुझे पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि क्या है, हीलियम है, क्या है, हीलियम है। चलो आगे है, अगले क्वेश्चन में आता हूँ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ना,
ये है अक्रिय गैस में होता है। अक्रिय गैस में क्या होता है? पहला ऑप्शन जो आपके पास है जल में घुलनशील होता है या अस्थायीता होता है या अभिक्रियाशीलता नहीं होता है या अतिक्रियाशील सहनशीलता क्या होता है इसमें? देखिए तो अक्रिय गैस क्या होता है? यह होता है अभिक्रियाशीलता नहीं होता है। क्या होता है? इसमें अभिक्रियाशीलता नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी करा है वो क्या है? जीनियस है। मैं बता रहा हूँ क्या है, जीनियस है, क्योंकि आप लोग मेहनत करके यहाँ आए हो, ठीक है। इसको मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, आप लोग खुद करे हैं, इसलिए मैं बता दूंगा जीनियस हो आप लोग, ठीक है। और आप आंसर तभी करो अभी ना, जब आप लाइव देख रहे हो तभी आंसर करो इसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। जब आपका आंसर सही होगा ना तो आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे है, नील का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? नील का प्रयोग निम्न में से किसका होता है? नील का प्रयोग निम्न में से किससे होता है, किसमें होता है? पहला ऑप्शन है जो परफ्यूम उद्योग में, या औषधि उद्योग में, या रंजक उद्योग में, या फिर चौथा है खाद्य उद्योग में किया जाता है। तो देखो इसमें किसमें क्या आता है, तो नील का प्रयोग ये क्या आता है, रंजक उद्योग में, रंग के उद्योग में, किसमें? रंग के उद्योग में किया जाता है। नील का प्रयोग किसमें क्या आता है, तो रंग के उद्योग में किया जाता है, ठीक है। चलो एक बार मैं देखो, अभी कुछ इसमें आ गया, प्रॉब्लम हो गया इसमें, एक मिनट जाइए अभी आप। माफ कीजिए, अभी कुछ देर के रुक जाइए, एक मिनट, इसमें कुछ प्रॉब्लम अभी आ गया स्लाइड में। बस एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा इसमें अभी कोई बटन इसमें आ गया, दब गया इसमें। कहाँ पर थे हम लोग? मॉर्फिन दवा, डीएनए ये नहीं था आपका, नेचिंग में क्या होता लेकिन, चल यहाँ आते हम लोग, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, देखिए आपका आंसर क्या इसमें से हो जाएगा, बताओ इसमें से आंसर, लगता है मैंने इसका आंसर कर दिया है। चलो तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था जो क्या क्या था, रंजक था, क्या था, रंजक था। तो आप लोग पेन देखने दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चल ठीक है। चलो आगे बता दो, अगला जो है इसका आंसर जो है, इसका बताना क्वेश्चन जो है इसका क्या है, लिंचिंग में क्या होता है, लिंचिंग में क्या होता है? ऑप्शन आपके पास जो है, गाढ़ा रंग हट जाता है या घुलनशील यौगिक घुल जाता है, तो तीसरा है वाष्पीकरण, चौथा है फिल्टरण। तो लिंचिंग में क्या होता है, लिंचिंग में क्या होता है? तो देखो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, ये घुलनशील यौगिक में घुल जाता है, घुलनशील यौगिक घुल जाता है यानी, ठीक है। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन जो है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है मृदु विचेदक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, या प्रतिजैविक के रूप में, या पीड़ाहारी के रूप में। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है, मैग्नीशिया का किसमें क्या आता है, तुम्हें ये मृदु विचेदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर तो मैंने बता दिया था, ठीक है, हाँ चलो। चलो अगला है, डीएनए में कौन सी इकाई होती है, डीएनए में कौन सी इकाई होती है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, अगला है फ्रक्टोज, या डीऑक्सी और राइबोज में क्या आता है, डीऑक्सी राइबोज में किया जाता है। तो किसमें क्या आता है बताओ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा किसमें क्या आता है, डीऑक्सी राइबोज में किया जाता है डीएनए का इकाई, ठीक है। चलो अगला है मॉर्फिन, मॉर्फिन का दवा का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मॉर्फिन दवा का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है नार्कोटिक्स में, या प्रतिजैविक के रूप में, या मलेरिया रोधी के रूप में, या प्रतिरोधी के रूप में। यानी मॉर्फिन दवा का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नार्कोटिक्स में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिन बच्चों ने इसका आंसर ए करा है वो पूरी तरह से सही सही है, ठीक है। तो आप लोग अभी थक गए हो तो मुझे बता दो, नहीं तो क्लास अभी चलता ही रहेगा आप लोगों का भी, ठीक है। आप कोई बात नहीं, एग्जाम आपको आने वाला है तो ऐसा मेहनत कर लो आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू, माफ कीजिए अभी, तंबाकू का प्रमुख घटक कौन सा है, तंबाकू का प्रमुख घटक कौन सा है,
तंबाकू का प्रमुख घटक कौन सा है? पहला ऑप्शन है मॉर्फिन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है निकोटिन, चौथा है रेस्पिरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा निकोटीन का। किसका हो जाएगा? निकोटीन का हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो है क्वेश्चन है, चाय और कॉफी का प्रमुख घटक कौन सा है? चाय और कॉफी का प्रमुख घटक कौन सी है? ये है निकोटीन या क्लोरोफिल, या चौथा है कैफीन, या चौथा है एस्पिरिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा निकोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्लों को किसके बर्तन में रखा जाता है? प्रबल अम्लों को किसके बर्तन में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है पीतल, तीसरा है तांबा, चौथा है कांच। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लों को किसमें रखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा कांच में। किसमें रखा जाता है? कांच के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, आप लोग आंसर कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी मिल रहा है आप लोग आंसर कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो अगला है, प्रतिरोधी और विसंक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक कौन सा है? प्रतिरोधी विसंक्रमक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, चौथा है कैल्शियम फॉस्फेट। इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, चलो बताते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस बिंदु पर किसी ठोस तरल और गैसीय रूप का सह अस्तित्व होता है वह क्या कहलाता है? जिस बिंदु पर ठोस तरल और गैसीय का अस्तित्व होता है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कथनांक, दूसरा है गलनांक, तीसरा है अतिरिक्त बिंदु, चौथा है हिमांक। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है क्या, तो ये है अतिरिक्त बिंदु। ठीक है, चलो आगे है, पेंसिल लेड किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है चारकोल, तीसरा है लेड, चौथा है लकड़ी। तो पेंसिल लेड जो बना होता है किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है ग्रेफाइट का। ठीक है, चलो आगे है, किसी भी तंत्र के जल के निष्कासन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है निर्जलीकरण, चौथा है वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे है, हीमोग्लोबिन क्या है? पत्तों को हरा रखने वाला पदार्थ है, या रक्त को लाल रखने वाला पदार्थ है, दूध का एक घटक है, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो क्या है? रक्त को लाल रखने वाला पदार्थ है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिन बच्चों ने आपका आंसर बी करा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलो आगे है, रिबोफ्लाविन क्या है? क्या एक विटामिन है, क्या एक पौधा है, या प्रतिजैविक है, या रंजक है? तो क्या है रिबोफ्लाविन क्या है? तो ये है एक विटामिन है। रिबोफ्लाविन क्या एक आपका विटामिन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विटामिन। चलो अगला जो है, लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है मीथेन। तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी लकड़ियों के जलने से जो मुख्य गैस निकलती है क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किस गैस से होता है? क्या धुआं से होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, या सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है? तो सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण होता है किससे होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सीरा, या औद्योगिक अपशिष्ट। तो बताओ सबसे इसका जो होता है ना जल प्रदूषण उसे क्या होता है? औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना, क्या होता है ये? सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। ठीक है,
चलो अगला जो है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा है बेंगलोर में, तीसरा है पुणे में, चौथा है पटना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है पुणे में। कहाँ है? तो ये है पुणे में। तो पुणे आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, या फिर केंद्रीय चट्टानों में, या कच्छ भूमि में। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। जिन बच्चों ने आंसर आंसर कभी करा है वो पूरी तरह से सही है, उसके लिए मैं वेरी गुड अभी दे रहा हूँ आपका। ठीक है, चलो आगे है, नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है? पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है अमोनिया सल्फेट, अगला है अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, या अमोनियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? देखिए, तो नाइट्रोजन की जो सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है किसे पाया जाता है? तो पाया जाता है यूरिया में। किसे पाया जाता है? ये पाया जाता है यूरिया में पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे है बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी नामक रोग जो होता है ना, किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर आपका है पहला जो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन ए। तो बेरी बेरी रोग जो होता है ना, वो विटामिन बी के कमी के कारण से होता है। किस कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कमी के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है पसीने में क्या होता है? पसीने में क्या होता है? पहला ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा है जवन, अजल, लवण तथा अवशेष पदार्थ। ठीक है, अगला है फॉस्फोरिक अम्ल, चौथा है कैल्शियम फॉस्फेट तथा जल। ठीक है, पसीने में क्या होता है? पसीने में क्या होता है? जल होता है, लवण होता है, और अवशेष पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र क्या का अर्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र क्या है? पहला ऑप्शन है यह वायु में चक्राकार घूमता है, इसमें बनावट चक्राकार होती है, या ऑक्सीजन अवशोषित करती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र जो होता है ना, इसमें से कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है। आपका आंसर है ये क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड चक्र जो कहलाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहलाता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं लोग? तो कार्बन डाइऑक्साइड चक्र कहलाता है। ठीक है, चलो आगे है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्नि शामक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? तो यह गर्म होकर क्या CO में बदल जाता है, CO2 यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, CO में CO2 में बदल जाता, अपघटित हो जाता है। यह कंबल की तरह कार्य करता है, यह जल बनाता है और इससे आग बुझ जाती है, या झाग पैदा करती है जिससे आग बुझ जाती है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? कार्बन या गर्म और क्या बन जाता है? CO2 यानी कार्बन बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। किसे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या गर्म होकर CO2 बन जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, चलो आगे है किसी बंद कमरे में लकड़ी या कोयला के जलने से क्या होता है? किसी बंद कमरे में लकड़ी या कोयला के जलने से क्या होता है? क्या होता है? CO जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। CO यानी कार्बन मोनोक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोक्साइड। दूसरा है पूरा ऑक्सीजन खत्म कर देती है, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है, या कमरा काला पड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? बंद कमरे में अगर लकड़ी को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न कर देगा। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ पदार्थ है? निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ पदार्थ है? ऑप्शन है पहला शर्करा, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है मीथेन। तो निम्न में से कौन केवल कार्बन से ही बना होता है? कौन सा बना होता है? ये बना होता है ग्रेफाइट। क्या बना होता है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, चलो आगे है आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? जब लोग आभूषण बनाते हैं तो उसमें सोना में क्या मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है लोहा, तीसरा है तांबा, चौथा है चांदी। तो आभूषण बनाते समय जो प्रयोग किया जाता है सोने में, क्या क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर क्या? तो सी, यानी कि तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले करवा दिया था आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग था।
आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है, कौन तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है, कौन तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन। या कौन तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है, कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है कार्बन। क्या है, कार्बन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है, अब दूसरा है मीथेन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है एसिटिलीन। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा में क्या मिलाया जाता है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा में क्या मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है केरोसिन तेल, दूसरा है लिंसिड का तेल, चौथा है, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है बादाम का तेल। तो साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ये क्या क्या आता है, लिंसिड का तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पूरा पूरा आंसर सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करा है, वो आपका आंसर सही है। तो बताइए एनर्जी बचा है, नहीं बचा है, एनर्जी बचाया है तो मतलब बोलोगे सर यस सर यस सर यस सर, मुझे कमेंट करो आप लोग, ठीक है, एनर्जी बचा हुआ है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारी जल में निम्न में से क्या पाया जाता है, भारी जल में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास है वायु, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है ड्यूटेरियम, चौथा है अपद्रव्य। तो भारी जल में क्या पाया जाता है, भारी जल में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है ड्यूटेरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे है, विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड से पीवीसी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बताइए, पहला ऑप्शन है आपका वंजक बंजन, दूसरा है रूढ़ीकरण, तीसरा है अपचयन, चौथा है आपका आसवन। तो देखिए, तो क्या कहलाता है इस क्रिया, क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बहुलीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। पहला ऑप्शन है एथिलीन का, दूसरा है विनाइल क्लोराइड का, तीसरा है आइसोप्रोपीन का, आइसोप्रीन का, चौथा है एथिलीन का। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर, देखिए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसोप्रीन का है, आइसोप्रीन का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, चलो अगला जो आपका आंसर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए अभी आप लोग। अगला है क्या, चलो किसका है पॉलीथीन किसका बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है एथिलीन, चौथा है एस्टीरीन एस्टोरीन। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है, एथिलीन है। ठीक है, चलो आगे है, पीवीसी शब्द का अर्थ क्या है, पीवीसी शब्द का अर्थ क्या है, पीवीसी शब्द का अर्थ क्या है। पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉस्फोविनाइल क्लोराइड, फॉस्फोविनाइल क्लोराइड, या फिर फॉस्फोविनाइल कार्बोनेट कार्बोनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पीवीसी का शब्द का क्या होता है, पीवीसी शब्द का जो होता है ना, ये क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है जल, तीसरा है वसा, चौथा है प्लाज्मा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। देखिए, तो पहला ऑप्शन आपके पास जो है यह है क्लोराइड, माफ कीजिए कांच, पीतल, स्टील या ग्रेफाइट। इसमें से कौन सा है जो एक मिश्रण नहीं है, यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है क्या, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बैठे अगले क्वेश्चन करें। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको गौर करके कीजिए, आप समझिए, नहीं किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है क्या, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग, या आसवन, या कास्टिक सोडा मिलाना, या उबालना। तो क्या नहीं किया जाता है, तो आसवन नहीं किया जाता है, आसवन भी तो नहीं किया जाता, इसका यूज नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो आप गौर से क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है या है, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है विद्युत चुंबक में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास है नर्म लोहा, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है निकेल, चौथा है तांबा। तो किसका, विद्युत चुंबक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है, पहला ऑप्शन है क्रोमियम तथा इस्पात, दूसरा है जस्ता और लोहा, तीसरा है तांबा और लोहा, चौथा है लोहा और क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो क्रोमियम और इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका पूरी तरह से सही है, क्रोमियम और इस्पात, ठीक है। चलो आगे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, चौथा या तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। विटामिन सी में रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाले धातुओं का युग्म क्या है, देखिए, तो पहला ऑप्शन आपके पास है क्रोमियम तथा इस्पात, जस्ता तथा लोहा तथा क्रोमियम, तांबा तथा लोहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर होता है, क्या हो जाएगा, स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए काम आने वाला धातु का युग्म कौन सा है, तो ये है क्रोमियम और इस्पात, क्या है, क्रोमियम और इस्पात, जिसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो आगे है, किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या के कण पाए जाएंगे, किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे। पहला है 0.5 मोल NaCl, ठीक है, दूसरा है 0.8 मोल KBr, 1 मोल एथिल अल्कोहल, या 0.4 मोल MgBr2, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है क्या, 0.4 मोल MgBr है, ठीक है। चलो अगला जो है, लोहा का एक ग्राम परमाणु का अर्थ है 1.0 ग्राम लोहा, 55.8 ग्राम लोहा, 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई, या 111.6 ग्राम लोहा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या है तो 55.8 ग्राम लोहा है, 55.8 ग्राम लोहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पहला है स्कर्वी, दूसरा है रिकेटस, तीसरा है बेरीबेरी, चौथा है रतौंधी, ठीक है। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बताइए, भोजन में डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है रिकेट्स है, क्या है, रिकेट्स है। चलो आगे है, किस तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण किसकी संख्या में भिन्नता होती है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है फोट्रॉन। किस तत्व में समस्थानिकों की भिन्नता के कारण किस संख्या में भिन्नता होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, न्यूट्रॉन है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बल्ब में क्या मिलाया जाता है, इसका देखिए ऑप्शन आपके पास जो है ना, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बल्ब में क्या मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन आपके पास जो है ना, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है चूना। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर कीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। चलो आगे है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है, पहला है सल्फाथियाजोल, एस्पिरिन, इंसुलिन, या रेसरपिन,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्फाथियोजोल हो जाएगा, सल्फाथियोजोल सल्फाथियोजोल का आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है मधुमेह से ग्रस्त रोगियों को मूत्र के नमूने में क्या होता है, मधुमेह के ग्रस्त रोगियों को मूत्र के नमूने में क्या होता है, क्या सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है या लैक्टाज होता है, क्या होता है, इसका आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो क्या हो जाएगा ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज होता है। तो आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बता दो सर, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर बता दो, अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, चलो क्लास को आप शेयर भी कर सकते हो, क्लास में बहुत बाकी अभी है और जो भी कोई क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड या बुक्स रिलेटेड या भी जो भी आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मुझे 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए निरूपित किया जाने वाला किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, उष्मा तथा दाब के हमेशा के लिए निरूपित किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ताप सुमय ताप स्थापी या रासायनिक यौगिक या भौतिक, क्या कहलाता है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या है ताप सुमय है, क्या है ताप सुमय है। देखिए आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, चलो आगे है तिर्यक बंध बहुलक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पोलोथीन, दूसरा है बैकलाइट, चौथा है नायलॉन, चौथा है पीवीसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो क्या है बैकलाइट का, क्या हो जाएगा बैकलाइट का। तिर्यक बंधक बहुलक का उदाहरण क्या है तो बैकलाइट का है, क्या है बैकलाइट का है, बैकलाइट का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलो आगे है FBA रंजक निम्नलिखित में को रंग बनाने के काम में आता है, FBA रंजक निम्नलिखित को रंग बनाने में काम में आता है। पहला ऑप्शन है नायलोन, दूसरा है टेरिनिन, चौथा है तीसरा है कपास, चौथा है ऊन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा FBA रंजक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए, इसका प्रयोग किया जाता है कपास का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है तो कपास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संपर्क प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संपर्क प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बताइए। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और पहला ऑप्शन जो आपके पास है उष्मा शोषी या उत्क्रमणीय या अपचयन, क्या कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो क्या हो जाएगा उष्मा क्षेपी कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे है वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसका बताइए, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, वायुमंडल हवा का सबसे बड़ा घटक जो होता है क्या होता है, वो ये होता है नाइट्रोजन होता है, क्या होता है नाइट्रोजन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न में से किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है, वाहिका विस्तारक नामक दवा का निम्न में से किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है कैंसर, दूसरा है ओवन अल्सर या तीसरा है एड्स, चौथा है अति रक्तदाब, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा जो कि क्या है अति रक्तदाब में, किसमें क्या आता है तो अति रक्तदाब में इसका यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है, निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है रिसर्बिन, दूसरा है सलिसिटिक अम्ल, दूसरा है मॉर्फिन, चौथा है कुनैन, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो क्या हो जाएगा मॉर्फिन हो जाएगा, क्या है मॉर्फिन हो जाएगा। चलो अगला है एम्पिसिलिन किसकी तरह काम करता है, एम्पिसिलिन किसकी तरह काम करता है, एम्पिसिलिन किसकी तरह काम करता है। देखो पहला ऑप्शन आपके पास है प्रतिजैविक, दूसरा है शोध रोधी, तीसरा है मलेरिया रोधी, चौथा है कैंसर रोधी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो एम्पिसिलिन जो होता है ना क्या होता है प्रतिजैविक होता है, क्या होता है एंटीबायोटिक होता है ये। ठीक है,
चलो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। पहला ऑप्शन है डिगोक्सिन, दूसरा है सिमेटिडिन, पैरासिटामोल, चौथा है पेनिसिलिन। क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, डिगोक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिगोक्सिन हो जाएगा। चलो आगे है, आलू की चींटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवक नाशक कौन सी है। ठीक है, आलू की चींटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवक नाशक कौन सी है। पहला ऑप्शन है कैप्टेन, दूसरा है मैनेम, तीसरा है थायरेम, चौथा है बेनोमिल। क्या है इसका ऑप्शन, जो है क्या है वो तो है कैप्टेन। क्या सबसे महत्वपूर्ण कवक कौन सा है, तो ये है कैप्टेन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो करे हैं, जो बच्चे करे हैं, उनका आंसर पूरी तरह से सही है। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत ज्यादा आपको वीवीआई है, तो क्वेश्चन करें आप। ठीक है, चलो आगे है, निम्न में से कौन प्राकृतिक कवक नाशक है, निम्न में से कौन प्राकृतिक कवक नाशक है। पहला ऑप्शन है फ्यूरेलेक्सिल, दूसरा है बेरोन, दूसरा तीसरा है फॉल्पेट, चौथा है कार्बोक्सिन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए, अगर आंसर पता है तो आंसर इसका जस्ट कर सकते हो, ज्यादा टाइम लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, बेरोन का। क्या है बेरोन का, क्या है बेरोन का, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। देखिए जब क्या जीके में, एक तो क्या जीके जीएस में क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, अगर आंसर पता होता है ना तो आंसर देखते ही आंसर कर देते हो आप। ठीक है, मैथ में थोड़ा तो क्या होता है, आंसर बता दिए जाए तो मुझे क्या उसको सॉल्व करना पड़ता है, मुझे कन्फर्म करने के लिए। इसमें क्या है, आंसर देखो भी करो, वैसे टाइम लगने की बात ही नहीं होती है इसमें, तो आंसर आप फास्ट करें, कमेंट करें आप। ठीक है, चलो आगे है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, न्यूक्लियोसाइड, ऑग्लिगोसेक्राइड। तो क्या है इसका आंसर, देखो रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है, एक क्या होता है पेप्टाइड होता है, क्या होता है पेप्टाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है, द्रव हाइड्रोकार्बन को गैसीय हाइड्रोकार्बन में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। द्रव हाइड्रोकार्बन गैसीय हाइड्रोकार्बन में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, रिफॉर्मिंग, भंजन या अपचयन। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है भंजन है। ठीक है, चलो आगे है, रासायनिक तौर पर जल क्या है, रासायनिक तौर पर जल क्या है, एक हाइड्राइड है, एक ऑक्साइड है, एक हाइड्रोक्साइड है, या एक पैरासाइड है, पैरोक्साइड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक क्या है ऑक्साइड है। क्या है एक रासायनिक तौर पर जल क्या है, एक ऑक्साइड है। क्या है ऑक्साइड है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है। आप आंसर का ऑप्शन कमेंट करें, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, या फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, या कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बताइए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है, बताइए न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा है नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अपमार्जनक बनाने के लिए आमतौर पर किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जनक बनाने के लिए जो एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। चलो इसका पहला ऑप्शन जो आपके पास है एथनॉल, दूसरा है लोरिक एल्कोहल, तीसरा है मैथिल एल्कोहल, चौथा है डिकाइनॉल का। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है लोरिक एल्कोहल हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोरिक एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जिन बच्चों ने आंसर बी करा है और पूरी तरह से सही सही कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत मेहनत करते हो, मैं ही मानता हूँ बहुत मेहनत करते हो आप लोग। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चन को रिवीजन भी जरूर करें आप, नोट जरूर बनाए, और किस क्लास को आप चाहते हैं, जल्दी से आपको कवर करना चाहते हैं, कौन सा क्लास चाहते हैं आप, मुझे कमेंट करके ही बताना। ठीक है, आप चलो आगे है, बराबर अनुपात में बनाए गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं। बराबर अनुपात में बनाए गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, तीसरा है प्रतिप शर्करा, चौथा है भूरी शर्करा। क्या है बराबर अनुपात में बनाए गए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है,
चलो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो ठीक है। आगे है फ्लिंट। फ्लिंट फ्लिंट कांच में क्या पाया जाता है? फ्लिंट कांच में क्या पाया जाता है? बोरेक्स पाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट की ज्यादा मात्रा पाया जाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या एलईडी क्रोमेट पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एलईडी क्रोमेट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अपवर्जन शब्द निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम इस्तेमाल किया जाता है? अपवर्जन शब्द निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम इस्तेमाल किया जाता है? पॉली, आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन। देखिए अपवर्जन शब्द का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया गया था पॉली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर पूरी तरह सही है। जो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर आंसर ए कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिए हमें आप कमेंट जरूर में देखूंगा सभी का, ठीक है, लाइक में सभी का देखना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग लाइक लाइक मन से करें, आप लोग क्लास को देखिए और क्लास को शेयर जरूर करें आप लोग, ठीक है। चलो आगे है CA3PO4 में निहित परमाणु संख्या कितनी होती है? पर कितनी परमाणु संख्या होती है इसमें क्या अपना होता है? ऑप्शन नंबर ये है 5, दूसरा है 13, तीसरा है 12, चौथा है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा परमाणु संख्या, ये हो जाएगा 13, ठीक है। चलो आगे है एस्टाइरीन। एस्टाइरीन नामक रसायन का प्रयोग किसके औषधिक उत्पादन में किया जाता है? एस्टाइरीन नामक रसायन का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? पहला ऑप्शन है औषधिक, दूसरा है रंजक, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है कीटनाशक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फास्ट कीजिए। देखिए तो स्टाइरीन नामक रसायन का प्रयोग क्या होता है, किसके औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? ये क्या होता है? प्लास्टिक के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे है पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के पृथक्करण किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है उत्प्रेरकी भंजन, प्रभाजी आसवन, या बहुलीकरण। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन में बताओ, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है प्रवासी आसवन है। आप लोग एनर्जी बचा हुआ है ना आप लोगों को, ठीक है। अगर डेटा खत्म हो गया फोन का, दोबारा देख रहे इसको आप, ठीक है। आप क्लास को देख लो, टाइम देख लेना, बस आप क्लास को वहीं से स्टार्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे है किस तत्व के विभिन्न अस्तंतहिनीकोण का क्या समान होता है? किसी तत्व के विभिन्न अस्तंतहिनीकोण का किसके समान होता है? पहला ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, चौथा है परमाणु भार, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो किसके बराबर होता है? ये होता है परमाणु क्रमांक के, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, समान होता है। चलो आगे है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बैंकिंग सोडा, या ध्रवण सोडा, या चूना, या खाली राख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है, यह है ध्रवण सोडा। क्या है? ध्रवण सोडा, ध्रवण सोडा है, धोने वाले सोडा है, ठीक है। चलो आगे है कृत्रिम रेशम का निम्न में से क्या कहा जाता है? जो कृत्रिम रेशम जो होता है ना, उसे और क्या कहते हैं, किस नाम से कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा है डेक्रॉन, तीसरा है रेशा कांच, चौथा है नायलोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या है, रेयॉन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेयॉन, ठीक है। चलो आगे है निम्न में से किसमें पेप्टाइड अनुबंध पाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन में, दूसरा है इंटरफेरॉन में, तीसरा है दोनों में, या चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए निम्न में से पेप्टाइड का अनुबंध किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोटीन में भी पाया जाता है और इंटरफेरॉन में भी पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे है रासायनिक रूप से सफेद स्पिरिट क्या होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोजन का मिश्रण, शोधित एथेनॉल का, या प्रशुद्ध एथाइल अल्कोहल का, या विकृतिकृत अल्कोहल का? बताइए सफेद स्पिरिट क्या होता है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, आप लोग आंसर जरूर करें इसका, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये होता है पेट्रोलियम हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। रसायन रूप से सभी स्पिरिट क्या होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का गलनांक अधिक होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का गलनांक, जल का गलनांक अधिक होने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है वाटर बल बल या ध्रुवीय संयोजक बल या त्रिध्रुवरोधन या हाइड्रोजन आबंध। क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजन आबंध के कारण। क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे है, झाग किसका उदाहरण है? झाग किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है द्रव में परिक्षिप्त परिक्षिप्त गैस या जेल में परिक्षिप्त एक द्रव या द्रव में परिक्षिप्त ठोस या द्रव में परिक्षिप्त एक द्रव, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा द्रव में परिक्षिप्त गैस, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? झाग उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो आगे है, ताम्र पिशाच के नाम से किसको जाना जाता है? ताम्र पिशाच के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए ऑप्शन आपके पास है टीन, निकेल, जस्ता, लोहा। ताम्र पिशाच के नाम से किसको जाना जाता है? यह नाम किया जाता है निकेल को। किसको? निकेल को जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे है, एकारिजिया किसका मिश्रण है? एकारिजिया किसका मिश्रण है? पहला ऑप्शन है HClNH2SO4 का, HCl या फिर तथा NHNO3 का, या HCl या HBr का, HClHF का। देखो मैं इसका सभी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, केमिकल नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाइए आप लोग, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ओसवाल विधि के द्वारा, या हॉल विधि के द्वारा, या हैबर विधि के द्वारा, या संपर्क विधि के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अल्मोनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम क्या कहलाता है? अल्मोनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम क्या कहलाता है? चलो आपका पहला ऑप्शन है डॉन प्रक्रम, दूसरा है हैवर प्रक्रम, तीसरा है हॉल प्रक्रम, चौथा है एलोक्रोपलेटिंग प्रक्रम क्या कहलाता है? चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप इसका आंसर कीजिए, एल्युमिनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम क्या कहलाता है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण का प्रक्रम क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हॉल प्रक्रम। क्या हो जाएगा? हॉल प्रक्रम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे है, बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है भंजन, संश्लेषण, प्रतिस्थापन या भंजन आसवन। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है भंजक आसवन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन में आता हूं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न में से कौन सा है? शर्करा के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है बोन ब्लैक, क्लोरीन जल, या हाइड्रोजन परऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए इसका, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बोन ब्लैक हो जाएगा। क्या सरकार के शोधन में प्रयुक्त व्यंजक जो है कौन सा है? ये है बोन ब्लैक है। चलो आगे है अगला क्वेश्चन जो है, इंसुलिन किस पर नियंत्रित रखती है, नियंत्रण रखती है? इंसुलिन किस पर नियंत्रण रखती है? पहला ऑप्शन है आयोडीन स्तर पर, दूसरा है लोहे के स्तर पर, शर्करा के स्तर पर, या यूरिया के स्तर पर। किसके स्तर पर ये रखता है बताइए? ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी है, जो शर्करा के स्तर पर रखता है। चलो आपके पास एनर्जी है, लिखो आप जय हिंद, जय हिंद कमेंट करो अभी, जय हिंद कमेंट करो आप लोग, जो आप लोग पास अभी पावर बचा हुआ है, एनर्जी बचा हुआ है, जय हिंद कमेंट करो आप अपने नाम के साथ अभी कमेंट करो, ठीक है। चलो अगला है, रासायनिक तौर पर इंटरफेरोन क्या है? रासायनिक तौर पर इंटरफेरोन क्या है? रासायनिक तौर पर इंटरफेरोन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल या फ्लोरीकृत हाइड्रो कार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है?
पहला ऑप्शन है सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट या सोडियम क्लोराइड, क्या है? तो इसका आंसर उसके क्या होगा आप लोग, चूना पत्थर का खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का है। ठीक है, चलो आगे है, अगला क्वेश्चन मैं आता हूँ। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, हरीश नामक ड्रग, हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष के फूल से बनाया जाता है? हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष के फूल से बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है नीम, हेम्प यानी जो भांग कहते हैं, या गुलाब या तुलसी। तो किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके फूल से बनाया जाता है? तो ये आता है भांग के, क्या आता है? भांग यानी हेम्प से। ठीक है, चलो आगे है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर आपके पास है ए में है 3, 7 या 9 या फिर 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 3 होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर ए करा है और पूरी तरह से सही है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो सही या गलत। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया आमतौर पर किसको कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आमतौर पर किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसको कहा जाता है बताइए? इसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। चलो अगला जो है प्रोटियम, प्रोटियम और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में पाया जाने वाला और पौष्टिक तत्व क्या है? ठीक है, प्रोटीन हाइड्रेट के अलावा दूध में पाया जाने वाला और पौष्टिक कौन सा है, पौष्टिक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, देखो दूध में क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है पोटेशियम, चौथा है लोहा, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ये सभी पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, कैंसर के लिए, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टैक्सोल किसके पेड़ से निकाला जाता है? कैंसर के लिए प्रसिद्ध जो दवा जो है किसके पेड़ से निकाला जाता है? तो टैक्सोल जो जिसका नाम है टैक्सोल है, कौन से पेड़ से निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा है यू, तीसरा है ओक, चौथा है पीपल। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करिए इसका आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आपका समझ लीजिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो बताइए इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करें। ठीक है, चलो मैं आपको वेट करूंगा इसका आंसर का। चलो आगे है, बड़े शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण किसके कारण होता है? बड़े शहरों में सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है, जो प्रदूषण होता है उसके किसके कारण होता है? तो कॉपर या एलईडी, लेड कहते हैं हम लोग, लेड कहते हैं हम लोग, ठीक है, क्रोमियम या कॉपर ऑक्साइड। तो किस कारण से होता है? ये होता है एलईडी कारण से। किस कारण से? एलईडी यानी लेड के कारण से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। चलो अगला जो है, निम्नलिखित में से किसके परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है? 1.0 ग्राम पानी, 1.0 ब्यूटेन, 1.0 ग्राम नाइट्रोन नाइट्रोजन, 1.0 रजत। तो किसके कारण कितना होता है? ये होता है 1.0 ग्राम ब्यूटेन के अधिक परमाणु संख्या अधिक होता है। ठीक है, चलो अगला जो है, किस रेडियो सक्रिय तत्व के उत्सर्जित अल्फा किरण निम्न में से क्या होता है? पहला ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन का नाभिक, दूसरा है नात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक या न्यूट्रॉन। क्या इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? तो हो जाएगा हीलियम नाभिक हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप में तत्वों को निम्न में से किसके बढ़ते हुए क्रम में सजा कर रखा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आवर्त सारणी में दीर्घ रूप से तत्वों को निम्न में से किसके बढ़ते हुए क्रम में सजा कर रखा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आकार या विद्युत धनात्मक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला जो है, सोडियम क्लोराइड में निम्न में से क्या होता है? सहसंयोगी बंद होता है या विद्युत संयोगी संयोजी बंद होता है या उप सहसंयोगी बंद होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत संयोगी बंद होता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। तो इसका आंसर कमेंट फास्ट करें आप लोग। ठीक है, चलो तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयोजन कितनी होती है, कितना होता है?
प्लस तीन प्लस दो माइनस दो माइनस तीन क्या होता है, तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा प्लस तीन हो जाए होता है, कितना होता है प्लस तीन प्लस धनात्मक तीन होता है। अगला है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित इकाई क्या होता है, पहला ऑप्शन आपके पास है परमाणु, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है आपका अणु, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो क्या है परमाणु है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के परमाणु संख्या उसकी इसकी होती है क्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉन या नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है तो नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की होती है, क्या होता है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऑप्शन है ऋणात्मक धनात्मक उदासीन या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है ऋणात्मक है। अगला है किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है, परमाणु संक्रमांक, परमाणु भार, अनुभार या तुल्यांकित भार, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है चलो आगे है किसी तत्व के परमाणु को 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा, कैलकुलेशन करके निकालना है लेकिन बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग, चलो इसका आंसर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को लेकिन आप लोग इसका आंसर आप बता देना ठीक है सही है गलत है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ 22 दे रहा हूँ। ठीक है चलो आप लोग कमेंट करके कंफर्म करना है 22 सही है नहीं है। ठीक है चलो आगे बताना हूँ, अगला है किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है, ग्राम में, किलोग्राम में या मिलीग्राम में या एएमयू में, किसमें व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं एएमयू, एएमयू मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है आंसर आपका डी है। ठीक है चलो आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकर्मक तथा उत्पाद दोनों पक्षों में किसकी संख्या समान होती है, चलो किसकी संख्या समान होती है, पहला ऑप्शन है मोल, अणु, परमाणु या आयन, क्या होता है इसका जो आप आंसर दोगे इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ परमाणु, परमाणु। तो आज के लिए आपका इतना आंसर था, 200 क्वेश्चन नहीं लाया था, 200 क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बीच में क्वेश्चन एक दो चार पांच क्वेश्चन ना मिक्स कर दिया, ज्यादा रिपीट हो गया क्वेश्चन, गौर कर लेना आप लोग ये लोग, तो क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसमें 200 से अधिक क्वेश्चन इसमें है, तो टॉप ये 200 था आपके लिए, क्लास कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है अगला क्लास जो मैं लाऊंगा मैथ जो लाएगा मैथ पर रहेगा, ठीक है और इंग्लिश के लिए भी मैं आपको जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है आप इस समय मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप इस वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हो अपना, ठीक है वैकेंसी देख सकते हो और भी आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे कुछ मिलेंगे आपको, और ई बुक परचेज करना है आपके एग्जाम के लिए तो नीचे कमेंट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको लिंक, उसे जाकर वहाँ परचेज कर सकते हो, बाद में आपके पास ये नंबर तो है ही पहले से ही। ठीक है तो आज के लिए इतना ही छोड़ दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।